हेलो एवरीवन, हम बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर थर्ड डिस्कस कर रहे हैं, टीचिंग एंड लर्निंग। और यूनिट थ्री हमारी चल रही है, जिसमें जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे मॉडल्स ऑफ टीचिंग। कि टीचिंग ऑफ मॉडल्स क्या होते हैं, उसके वेरियस जो हैं वो टाइप्स कौन कौन से हैं। प्रीवियस लेक्चर तक हमने देखा कि जो मॉडल ऑफ टीचिंग है उसके अंदर ग्लेजर का टीचिंग मॉडल क्या था, और उसके साथ साथ ब्रूनर का कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल जो है वो क्या थे, उसके फंडामेंटल एलिमेंट्स कौन कौन से थे, बेसिक अजम्पशंस जो हैं वो कौन कौन सी थी, उन सभी चीज़ों को जो है वो हमने डिस्कस किया। आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास हमारा नेक्स्ट मॉडल, दैट इज गिवन बाय द सचमैन, दैट इज सचमैन इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, जिसे क्या कहा जाता है, सचमैन इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। हिंदी में अगर मैं कहूँ तो हिंदी में जो है इसे सचमैन का पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान कहा जाता है। सचमैन का पूछताछ प्रशिक्षण परिमाण प्रतिमान कहा जाता है इसे। जो बेसिक टीचिंग मॉडल है सचमैन का, ये जो है वो रिचर्ड सचमैन के थ्रू दिया गया 1962 के अंदर। डेवलप बाय ये रिचर्ड सचमैन इन 1962। क्या कहना था इनका कि इन्होंने जो मॉडल बनाया है उनके अंदर उनकी बेसिक अजम्पशंस जो है वो क्या थे। तो इनका जो मॉडल है वो देखो, नाम से ही आपको इसमें सजेस्ट हो रहा है कि इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान, यानी कि जहाँ बच्चे की जो है वो क्या डेवलप करी जाती है, उसकी साइंटिफिक इंक्वायरी ट्रेनिंग जो स्किल्स हैं उनको जो है वो इसके अंदर विकसित किया जाता है। डेवलप साइंटिफिक इंक्वायरी ट्रेनिंग स्किल ऑफ पीपल्स, यानी कि जो बच्चे हैं उन सभी की जो है पूछताछ करने की जो एक कौशल होता है। क्योंकि देखिए, जब हम किसी चीज के ऊपर पूछताछ करेंगे तो उससे क्या होगा, जो ज्ञान है वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, साइंटिफिक हो जाएगा, सिद्धांतिक हो जाएगा। तो उसी चीज को अच्छी तरह से विकसित करने के लिए जो सचमैन का ट्रेनिंग इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल जो है वो है। तो सबसे पहले हम इसकी कुछ बेसिक अजम्पशंस देखते हैं कि किन मान्यताओं के ऊपर जो है ये मॉडल आधारित है, कौन कौन सी इसकी मान्यताएं हैं। मान्यताएं कौन कौन सी हैं हमारे पास। सबसे पहले वो कहता है कि सभी प्रकार का ज्ञान जो है वो क्या है, अस्थाई है। ऑल नॉलेज इज टेंपरेरी, सभी प्रकार के ज्ञान को क्या माना जाता है, अस्थाई माना जाता है। टेंटेटिव का मतलब क्या होता है, अस्थाई। अर्थात वो ये कहना चाहता है यहाँ पर कि समय समय पर ज्ञान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे जैसे व्यक्ति को नए नए अनुभव होते हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस के थ्रू न्यू आइडियाज या न्यू नॉलेज जो उसे मिलती है, तो उसकी वजह से जो ज्ञान है वो हम क्या मानते हैं, स्थाई नहीं रह सकता, उसमें क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। ये इसकी सबसे पहली धारणा है, देखिए, जिसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। हम कहते हैं साइंटिस्ट के बिहाफ पर विज्ञान के अंदर जो है वो हर टाइम नई थ्योरीज, नए प्रिंसिपल्स जो है वो एडवेंट किए जाते हैं। पहले प्रिंसिपल्स थ्योरी कुछ और थी, फिर उसके ऊपर क्या देखा गया, नए नए हम कहें एक्सपेरिमेंट हुए, उसके ऊपर नई नई क्या करी गई, इंक्वायरी करी गई, तो उससे क्या हो गया, वही चीज क्या हो जाती है, रीमोल्ड हो जाती है, डेवलप हो जाती है, और भी अच्छे ढंग से जो है वो हमारे सामने प्रस्तुत होती है। हम देखते हैं हमारे आसपास जो तरह तरह की टेक्नोलॉजीज हैं, आप सेलफोन को ही ले लीजिए, जो सेलफोन है वो पहले क्या था, सिर्फ वहां क्या था, टच स्क्रीन के कोई सेलफोन नहीं होते, बटन्स के थ्रू जो है ऑपरेट करना होता था, ना ही इतने ज्यादा सिस्टम्स थे। तो वो चीज क्या हो गई, अपडेट हो गई। अपडेट कब हुई, जब उसके अंदर नई चीज को जो है इन्वेंट किया गया। तो इस तरह से जो ज्ञान है वो भी क्या है, आपका अपडेट होता रहता है हर टाइम जो है वो, उसके अंदर नए नए परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए इसका क्या मानना था कि ऑल नॉलेज इज टेंटेटिव, सभी प्रकार
काल का जो ज्ञान है वो क्या होता है, अस्थाई ज्ञान होता है। समय के साथ उसमें क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। व्यक्ति हर समय जो है वो नए अनुभव को ग्रहण करता है और उस नए अनुभव की वजह से उसके पास जो ज्ञान है वो हर समय क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, चेंज जो है वो हो रहा है। अब सेकेंड इनकी assumptions थी कि देर इज नो वन आंसर ऑफ अ क्वेश्चन। यानी कि प्रत्येक प्रश्न का जो है, अगर हम कोई भी प्रश्न लेते हैं तो एक प्रश्न के उत्तर जो है वो केवल एक नहीं हो सकता, एक प्रश्न के जो है वो विभिन्न तरीके से उत्तर जो है वो दिए जा सकते हैं, जो कि नवीन ज्ञान के ऊपर क्या होता है, आधारित होता है। यानी कि एक प्रश्न को डिफाइन करने के, एक प्रश्न को उत्तर देने के प्रत्येक व्यक्ति के पास क्या होते हैं, भिन्न भिन्न जो है वो क्या है, तरीके हैं। अब जस्ट आप देख लीजिए कि एजुकेशन को अगर डिफाइन करना है तो उस चीज को परिभाषित करने के लिए हर व्यक्ति के अपने अपने अनुभव हैं, तो उसके बिहाफ पर कोई व्यक्ति उसे किसी भाषा के अंदर या किसी टर्म्स के अंदर जो है वो डिफाइन करेगा, दूसरा व्यक्ति है वो उसे दूसरी टर्म्स के अंदर जो है वो डिफाइन करेगा, क्योंकि हर किसी की जो सोचने की या किसी चीज को करने की क्षमताएं जो होती हैं वो क्या है, अलग अलग है। तो इसके बिहाफ पर एक प्रश्न जो है वो उसके हमारे पास क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के उत्तर होते हैं, भिन्न भिन्न जो है वो उत्तर होते हैं। Means there is a no one answer of a question, एक प्रश्न का केवल एक उत्तर जो है वो नहीं हो सकता, उसके अलग अलग जो है वो उत्तर है। ये इसकी क्या है, इस मॉडल की दूसरी मान्यता है। अब हम तीसरी देखते हैं। तीसरी में वो क्या कहता है कि every person is curious and eager to learn new things, हर व्यक्ति जो है वो क्या होता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। Every person is curious and eager to learn new things। प्रत्येक व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है वो किस तरह की प्रवृत्ति होती है, प्रत्येक मनुष्य के अंदर आप क्या देखोगे, क्यूरियस होता है, जिज्ञासु होता है, और उस जिज्ञासुता की वजह से या उस क्यूरियसिटी को हम कहीं सेटिस्फाई करने के लिए वो हमेशा जो है वो तत्पर होता है इस चीज को, नई चीजों को जो है वो सीखने के लिए। यहाँ हम ये कहेंगे कि हर कोई व्यक्ति जो है वो क्या है, क्यूरियस है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, और उस जिज्ञासु प्रवृत्ति को हम कहें परिपूर्ण करने के लिए वो हर समय नई चीज को लर्न करने के लिए तत्पर जो है वो रहता है। ये इसकी क्या है, तीसरी assumptions है। अब हम इसके अंदर जो है वो फोर्थ assumptions लेके चलते हैं। फोर्थ assumption के अंदर वो क्या कहता है कि द स्टूडेंट लर्न बेटर व्हेन दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एनी कंटेंट। Students learn better when they actively participate। वो क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी भी चीज को जो सीखता है, स्टूडेंट है वो जब किसी चीज को सीखता है उसके जो सीखने की वे है उस चीज को जो है वो अच्छा बनाया जा सकता है, बेटर किया जा सकता है। कैसे, अगर वो किसी भी चीज में क्या कर रहा है, क्रियाशील होकर उसमें प्रतिभागिता जो है वो दिखाता है, ज्यादा से ज्यादा जो है उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट अपनी दिखाता है। क्योंकि देखिए जितना ज्यादा कोई भी व्यक्ति जो है वो क्रियाशील होकर, एक्टिव होकर अगर किसी चीज में अपनी जो है वो इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा तो उसका थिंकिंग प्रोसेस उतना ही ज्यादा वर्क करेगा, तो उसकी लर्निंग ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, और भी ज्यादा बेटर जो है वो हो जाएगी। इसके साथ साथ नेक्स्ट हम इसके अंदर इसकी assumptions लेके चलते हैं कि नेक्स्ट assumptions जो है वो हमारे पास इसके अंदर क्या कहता है कि सेल्फ लर्निंग कैन बी सिस्टमेटाइज, कि इसके बिहाफ पर व्यक्ति के अंदर जो है वो सेल्फ लर्निंग जो है वो डेवलप करी जा सकती है। Self learning can be systematized, जो व्यक्ति के अंदर सब अधिगम होता है उस सब अधिगम को जो है वो डेवलप किया जा सकता है, उसे सुव्यवस्थित जो है वो किया जा सकता है। उसके साथ साथ वो कहता है
कि जो हम कहें कि जितना अच्छा किसी भी व्यक्ति के आसपास का जो एनवायरनमेंट होगा, डेमोक्रेटिक हम उसे जो है वो एनवायरनमेंट देंगे, उतनी ही ज्यादा हम क्या देखेंगे उसके अंदर विकास होगा, डेवलपमेंट जो है वो उसी के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो है वो चलेगा। उसके साथ साथ वो कहता है कि न्यू स्ट्रेटजीज कैन बी टॉट। नई जो हम कहें उपागम है या नई चीजें हैं वो जो है वो किसको, एक व्यक्ति को जो है वो ज्यादा से ज्यादा सिखाई जा सकती है, उसे ज्यादा से ज्यादा जो है वो विकसित किया जा सकता है। तो ये क्या है, उसकी assumptions है। इन assumptions के साथ साथ उसने क्या कहा कि हर कोई व्यक्ति के अंदर जो एक curiosity होती है, जिज्ञासुता जो होती है, इस curiosity को जो है वो डेवलप करने के लिए, या मैं ये कहूँ कि इसे जो है वो सेटिस्फाई करने के लिए, जितना अच्छा जो है एक पर्सन को क्या दिया जाता है, नेचुरल एनवायरनमेंट दिया जाएगा, अगर उसको जो है वो बहुत ही अच्छा जो है वो नेचुरल एनवायरनमेंट दिया जाता है सीखने के लिए, लर्न करने के लिए, तो इस नेचुरल एनवायरनमेंट से क्या होगा, एक स्टूडेंट के अंदर जो है वो विकास होगा, उसकी जो हम कहें जिज्ञासु जो प्रवृत्ति होती है वो अच्छे तरीके से विकसित भी हो पाएगी, और विकसित के साथ साथ वो क्या हो पाएगी, सेटिस्फाई भी हो पाएगी, वो हर चीज को जो है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर कर सकता है। इसके साथ साथ अगर हम इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल की बात कर रहे हैं तो उनका क्या कहना है कि जो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है वो ग्रुप में भी वर्क कर सकता है और उसके साथ साथ पर्सनल भी जो है वो वर्क कर सकता है, यानी कि क्लास में जैसे पर्सनल हम कहें कि एक व्यक्ति की किसी भी तरह की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को अच्छे तरीके से सॉल्व करने के लिए पर्सनली जो है वो एक व्यक्ति को अगर हम सेल्फ लर्निंग की तरफ इंडल्ज करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है वो पर्सनली भी इसके साथ वर्क हो सकता है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के साथ, और उसके बिहाफ पर ग्रुप वर्क, अगर हम समूह में जो है वो कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं तो ग्रुप वर्क में भी इस चीज को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। देखिए हमने क्या देखी है, इसकी सबसे पहले हमने इसकी मान्यताएं जो है वो डिस्कस करी है कि ट्रेनिंग मॉडल की मान्यताएं जो है वो क्या क्या है। तो सबसे पहली मान्यता इसने क्या कहा है कि ऑल नॉलेज इज टेंटेटिव, हर प्रकार का जो ज्ञान है, सभी प्रकार का जो ज्ञान है वो अस्थाई है। क्यों है अस्थाई, क्योंकि हर रोज जो है या हर टाइम जो है वो एक नई चीज आती है, समय समय पर हर चीज में क्या होता है, परिवर्तन होता है, और उस परिवर्तन की वजह से नया ज्ञान जो है वो हर व्यक्ति के पास आता है, जिससे पुराना ज्ञान जो है वो क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। इसलिए नॉलेज जो है वो अपने आप में क्या है, टेंटेटिव है, अस्थायी है। नेक्स्ट उसने कहा कि देयर इज नो वन आंसर ऑफ अ क्वेश्चन, एक प्रश्न का केवल एक ही उत्तर जो है वो नहीं हो सकता, भिन्न भिन्न प्रकार के जो है वो उत्तर होते हैं, हर किसी का सोचने का काम करने का तरीका अलग होता है, जिसके बिहाफ पर हम क्या देखेंगे कि वो एक काम को अलग अलग तरीके से जो है वो कर सकता है। नेक्स्ट आता है, इसमें कहता है कि एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति जो है वो क्या होता है, जिज्ञासु होता है, और इस जिज्ञासुता की वजह से ही हम क्या देखते हैं, हर कोई व्यक्ति जो है वो तत्पर है किस चीज के लिए, सीखने के लिए, किसको, नई चीजों को, जो भी कोई भी नई चीज आती है तो नई चीज को सीखने के लिए हर व्यक्ति क्या होता है, तैयार होता है। आप जस्ट छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि एक बच्चा है वो एक क्लास कंप्लीट कर चुका है, एक क्लास कंप्लीट करते ही जैसे ही वो नेक्स्ट क्लास के अंदर एडमिशन लेता है, उसको जब पेरेंट्स या उसके टीचर्स जो है वो बुक्स देते हैं तो वो उन बुक्स से इतना ज्यादा क्यूरियोसिटी होता है कि मुझे जो है वो नई बुक्स जो है वो पढ़ने को मिल रही है, तो हम क्या देखते हैं कि वो जो है वो उन्हें लर्न करने के लिए तत्पर होता है। अगर उसे जो है उस क्यूरियोसिटी को डेवलप करने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए अच्छे से अच्छा अगर उसे वातावरण जो है वो मिल रहा है, तो ये हर किसी व्यक्ति का क्या है, एक नेचर होता है। सिमिलरली वो कहता है कि स्टूडेंट्स लर्न बेटर When they actively participate, क्या मानता है कि कोई भी बालक जो है वो बहुत अच्छे तरीके से किसी भी चीज को सीख सकता है अगर वो उसमें ज्यादा से ज्यादा सक्रिय होकर अपनी सहभागिता जो है वो निभाता है। जितना ज्यादा किसी भी काम को करने में एक जो स्टूडेंट है, लर्नर है, वो एक्टिव होगा, उतनी ही उसकी लर्निंग जो है वो क्या होगी, अच्छी हो पाएगी।
नेक्स्ट वो कहता है सेल्फ लर्निंग कैन बी टॉट, जो ट्रेनिंग मॉडल है उसकी वजह से सेल्फ लर्निंग को क्या किया जा सकता है, सुव्यवस्थित किया जा सकता है, सिस्टमेटिक से लिया जा सकता है, यानी कि टाइम टेबल बनाकर उसे पढ़ाया जा सकता है, टाइम टेबल के साथ साथ उसके अंदर अच्छी हैबिट्स को जो है वो डेवलप किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या कहता है, न्यू स्ट्रेटजीज कैन बी टॉट, जब हम इंक्वायरी इस ट्रेनिंग मॉडल की बात करते हैं तो नए जो स्ट्रेटजीज होते हैं, नए जो, क्योंकि क्यूरियोसिटी है तो क्यूरियोसिटी के भी आप पे हर कोई व्यक्ति नई चीज सीखना चाहता है, तो उसकी वजह से जो न्यू स्ट्रेटजीज हैं, न्यू उपागम है किसी भी चीज के, वो जो है वो स्टूडेंट को, लर्नर को सिखाए जा सकते हैं, उसे टीच किए जा सकते हैं। अब हम इसके अंदर क्या ले रहे हैं कि जो वो क्या कहता है कि एक नेचुरल एनवायरनमेंट अगर जो है डेवलप किया जाता है, एक स्टूडेंट को नेचुरल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक वातावरण दिया जाता है जिसमें कम से कम क्या होते हैं बैरियर्स हो, उसको जो है वो मौका दिया जाता है काम करने का, तो उससे हम क्या देखेंगे, उसकी जो क्यूरियोसिटी होती है, उसकी जो हम कहें कि जिज्ञासु जो प्रवृत्ति है, वो अच्छे तरीके से जो है वो विकसित भी करी जा सकती है और अच्छे तरीके से उसे परिपूर्ण भी जो है वो किया जा सकता है। और जो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है वो समूह के अंदर भी काम कर सकता है और व्यक्तिगत भी जो है वो काम कर सकता है। तो अब हम इसके आगे फर्दर जो है वो इसके बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट्स देखते हैं कि बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास कौन कौन से हैं। आधारभूत तत्व, अगर हम आधारभूत तत्व की जब बात करते हैं तो हमारे पास किसी भी टीचिंग मॉडल के मेजर जो हैं वो कितने आधारभूत तत्व हमारे सामने होते हैं, दैट इज सिक्स। सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, फोकस। जिसे हम केंद्र बिंदु या मुख्य बिंदु कहते हैं। दूसरा क्या आता है इसके अंदर, दैट इज सिंटैक्स। जिसे हिंदी में संरचना बोला जाता है। थर्ड क्या आता है इसके अंदर, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, प्रतिक्रिया के नियम। नेक्स्ट आता है इसमें सोशल सिस्टम, सामाजिक प्रणाली, जिसे हम हिंदी में अवलंब प्रणाली बोलते हैं। और लास्ट आता है इसमें एप्लीकेशन। इसे क्या कहा जाता है हिंदी में, प्रयोग। ये क्या है हमारे पास, किसी भी हम कहें कि किसके एलिमेंट्स के या किसी भी मॉडल के बेसिक जो है वो हमारे पास छह फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला क्या है, फोकस। दूसरा क्या है, सिंटैक्स।
तीसरा क्या है? प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन. फोर्थ सोशल सिस्टम. फिफ्थ सपोर्ट सिस्टम. और सिक्स जो है वो क्या है हमारे पास? दैट इज एप्लीकेशन. ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे इसके अंदर? फोकस को जो है हम डिस्कस करेंगे कि फोकस जो है वो क्या होता है. फोकस जिसे हम क्या कहते हैं? केंद्र बिंदु. तो किसी भी ट्रेनिंग मॉडल का अभी तक हम जो है वो फोकस पॉइंट देखते आ रहे हैं. तो अब हम सचमैन का जो ट्रेनिंग मॉडल है इसके जो है वो फोकस पॉइंट क्या है, केंद्र बिंदु जो है वो क्या है. मेन जो अगर हम बात करते हैं फोकस की, तो फोकस पॉइंट के अंदर जो है मेन दो गोल है इसके. सबसे पहला क्या है? जनरल गोल्स, सामान्य लक्ष्य या उद्देश्य. और दूसरा क्या है इसके अंदर? स्पेसिफिक गोल्स, यानी कि हम कहें कि जिसे हिंदी में हम विशिष्ट जो है वो उद्देश्य की बात करते हैं. स्पेसिफिक आप इसे जो है वो ऑब्जेक्टिव से बोल सकते हैं, और इसे आप जनरल गोल्स भी जो है वो बोल सकते हैं. जब हम किसको देख रहे हैं? हम जब जनरल की बात कर रहे हैं तो जनरल में वो क्या कहता है कि जो फोकस पॉइंट है कि इस ट्रेनिंग मॉडल का जो जनरल गोल है वो किस तरह का जनरल गोल है कि सबसे पहले वो क्या कहता है? डेवलप द थिंकिंग एबिलिटी. इससे क्या होती है? एक बच्चे के अंदर सोचने की जो क्षमता होती है, वो अच्छे तरीके से विचार करने की जो योग्यता है वो एक छात्र के अंदर जो है वो विकसित होती है. यानी कि छात्रों में विचार करने की योग्यता का विकास करना, टू डेवलप द थिंकिंग एबिलिटी अमंग लर्नर्स. नेक्स्ट आता है एनालाइज द थिंग. Analyze the thing क्या आता है कि जो learner है to develop the skill of analyzing the things को analyze करने का. Analyze करने का मतलब क्या होता है कि उनको अच्छे तरीके से विश्लेषित करना है, संश्लेषित करना है, उसे अभिव्यक्त जो है वो करना है. इस चीज को जो है वो develop करता है. उसके साथ साथ to develop the ability to draw conclusion. जब या बालक को जो है वो फ्री छोड़ दिया जाता है किसी भी काम को अपने आप करने में, पूछताछ करने में, तो उससे क्या है? उसको जो है सारांश है, लास्ट में जो है वो क्या जो है उसका आलोचनात्मक हम कहें चिंतन जो निकल रहा है उस चीज को डेवलप करने में क्या करता है? हेल्प करता है. कंक्लूजन को सारांश बनाने में जो है वो मदद करता है. उसके साथ साथ वो कहता है टू ऑर्गेनाइज द डाटा. किसी भी तरह का जो डाटा है उसे सुव्यवस्थित ढंग से जो है वो प्रदर्शित करना. ऑर्गेनाइज का मतलब ही क्या होता है? उसको संगठन करना, उसको सुव्यवस्थित ढंग से जो है वो डेवलप करना. उसके साथ साथ हम इसके अंदर क्या देखते हैं? द क्रिटिकल थिंकिंग विल बी डेवलप. क्रिटिकल थिंकिंग जो लर्नर है, लर्नर के अंदर जो है हम क्या देखते हैं? उसके अंदर आलोचनात्मक शक्ति जो है वो अच्छे तरीके से डेवलप होती है, क्योंकि उसकी क्यूरोसिटी जो है, जिज्ञासुता है, उसको जो है वो क्या किया जाता है? पूर्ण करने की कोशिश करी जाती है. और उससे हम क्या देखते हैं? उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है. और इसके साथ साथ जब हम इसकी बात कर रहे हैं, हम स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं. अभी तक हम क्या कर रहे थे? हम जनरल गोल्स की बात कर रहे थे. अब हम क्या कर रहे हैं? स्पेसिफिक गोल्स कि जो विशिष्ट उद्देश्य जो है वो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के बिहाव पर बच्चों के अंदर जो है वो क्या डेवलप होता है. तो सबसे पहले वो कहता है टू इम्पार्ट, नाम से ही क्लियर है, ट्रेनिंग स्किल्स. प्रशिक्षण जो कौशल है उसको अच्छे तरीके से विकसित करने के लिए जो है वो मददगार होता है. विशिष्ट जो इसका उद्देश्य है, मेन जो इसका उद्देश्य है वो क्या है कि ट्रेनिंग स्किल्स जो है वो एक स्टूडेंट के अंदर डेवलप करनी. इसके साथ साथ डेवलप कॉग्निटिव स्किल्स. कॉग्निटिव स्किल्स क्या होती है? ज्ञानात्मक जो कौशल होता है उस चीज को डेवलप करना. किस तरह का ज्ञानात्मक कौशल है? भी किसी भी डाटा को सर्च करना है, डाटा को सर्च करने के बाद उसके ऊपर जो है वो प्रोसेसिंग करनी है, प्रोसेसिंग के साथ साथ उसको लॉजिकल फुल जो है वो डेवलप करना है. तो वो चीज किस में आती है? दैट इज कम इन द कॉग्निटिव स्किल्स, यानी कि व्यक्ति के अंदर या बालक के अंदर
अंदर जो है वो ज्यादा से ज्यादा कॉग्निटिव स्किल्स, ज्ञानात्मक कौशल को जो है वो विकसित किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसमें सिंटेक्स की। सिंटेक्स क्या है कि जो ट्रेनिंग मॉडल है वो कितने पदों के अंदर जो है वो विभक्त है। तो यहाँ अगर ट्रेनिंग मॉडल की बात कर रहे हैं हम, तो ये मॉडल जो है वो मेजरली आपके पांच फेजेस के अंदर या पांच पदों के अंदर जो है वो क्या है, विभक्त है। मेजर जो है इसके कितने पॉइंट्स बनाए गए हैं, 5 पॉइंट्स जो है वो बनाए गए हैं। सबसे पहले आता है एनकाउंटर विद प्रॉब्लम। फर्स्ट स्टेप है एनकाउंटर विद प्रॉब्लम। दूसरा आता है इसके अंदर डाटा कलेक्शन प्रोसेस। डाटा कलेक्शन प्रोसेस जिसे हिंदी में हम कहेंगे आंकड़ों का संग्रह। नेक्स्ट आता है इसमें दैट इज डाटा कलेक्शन प्रोसेस के बाद डाटा गैदरिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन। डाटा गैदरिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन जिसे हिंदी में हम कहेंगे प्रयोगीकरण हेतु आंकड़ों का संग्रह। नेक्स्ट आता है इसके अंदर फॉर्मुलेटिंग एंड एक्सप्लेनेशन। फॉर्मुलेटिंग एंड एक्सप्लेनेशन जिसे हिंदी में हम कहेंगे समाधान की खोज। और लास्ट आता है दैट इज एनालिसिस ऑफ द इंक्वायरी प्रोसेस। एनालिसिस ऑफ इंक्वायरी प्रोसेस जिसे हम हिंदी में कहेंगे पूछताछ प्रक्रिया का विश्लेषण। सिंटेक्स, सिंटेक्स का अर्थ क्या होता है कि जो ट्रेनिंग मॉडल है या हम कहें कि किसी भी टीचिंग मॉडल के बिहाफ पर जो काम करना है वो टीचिंग जो है वो किस तरह से करनी है, कितने स्टेप्स के अंदर जो है वो डिवाइड है। तो जब हम ट्रेनिंग इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल की बात कर रहे हैं जो कि सचमैन के द्वारा दिया गया है, उसके जो सिंटेक्स है मुख्य जो पद है वो कितने हैं, 5 स्टेप्स है, 5 जो है वो पद है। सबसे पहले क्या है, एनकाउंटर विद प्रॉब्लम, समस्या का हम कहें सामना करना। दूसरा क्या है, डाटा कलेक्शन प्रोसेस, आंकड़ों का संग्रह करना, डाटा गैदरिंग प्रोसेस भी जो है इसे बोल दिया जाता है। नेक्स्ट आता है डाटा गैदरिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन, आंकड़ों का जो है वो प्रयोगीकरण हेतु जो है वो क्या करना, संग्रह करना, प्रयोगीकरण हेतु संग्रह करना। नेक्स्ट क्या है, फॉर्मुलेटिंग एंड एक्सप्लेनेशन, फॉर्मुलेटिंग एंड एक्सप्लेनेशन जिसे हिंदी में कहेंगे समाधान की खोज। और नेक्स्ट क्या है, एनालिसिस ऑफ इंक्वायरी प्रोसेस यानी कि जो आंकड़े हैं उनकी जो है वो पूछताछ प्रक्रिया करनी। ये है क्या, इस चीज को हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। बाकी फर्दर पॉइंट है इन्हें भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।